मोटे लोग कम ही तो खाते हैं। खुशी के मैरी, ये लड़की बहुत खुश है आज इसकी पहली से मिलने वाली। चैनल स्पार्कलिंग डीवा में मैं हूँ सृष्टि और मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड सम मेंटल टिप्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने काफ़ी कुछ हिमाचल में नियर बाय बकलो में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स डाले हैं, डलहौजी, खजियार, जोध, एंड आज मैं फाइनली बकलो से जा रही हूँ धर्मशाला। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग में निकल गई थी एंड अभी मैं मिड वे पे ही पहुँची हूँ। एंड हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह पे रुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। एंड खुशी की बात ये है कि आज मैं अपनी चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। आई थिंक अराउंड 15-17 ईयर्स के बाद में मिलने वाली हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कल उसका बर्थडे भी है तो कल तो बेसिकली शायद मैं घर के लिए निकल जाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसके एक दिन बर्थडे से एक दिन पहले मिल लिया जाए। तो बहुत सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू कैन से सोल बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको धर्मशाला के यॉल कैंट के बेहतरीन और खूबसूरत व्यूज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अभी एंड देन आई थिंक 1 or 2 hours में हम लोग धर्मशाला पहुँच जाएंगे। एक्चुअली बकलो से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 110 or 120 किलोमीटर्स हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट से कितना प्यारा व्यू है। So now we'll enjoy the breakfast along with this beautiful sir view. सबसे ज्यादा मोटे लोग कम ही तो खाते हैं। सो फ्रेंड्स, रास्ते में यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। मंदिर का नाम है त्रिलोकपुर मंदिर और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के साथ में ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर में हम लोगों को कैमरा लेना लेके जाना अलाउड नहीं था, तो ये मैंने बाहर का ही व्यू ले लिया। सो ये नेचुरल वाटरफॉल हो रहा था, बहुत ही सुंदर था ये, बट भाई जैसे कि मंदिर में अलाउड नहीं था कैमरा लेकर के जाना, बट स्टिल समहाउ मैंने मैनेज करके ये थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश की है आप लोग के लिए। तो ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए अगर आप धर्मशाला जा रहे हो, बकलो टू धर्मशाला। बहुत ही सुंदर ये नेचुरल टेंपल बनाया गया है शिव जी का, त्रिलोक मंदिर। और अब बस हम ऑलमोस्ट अब धर्मशाला पहुंचने ही वाले हैं। सो धर्मशाला की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं इस जगह की स्पेशलिटी की बात करूं तो दिस प्लेस इज़ मेंट टू रिलैक्स, अनविंड, चिल आउट एंड सेलिब्रेट द सेरेनिटी एनवेलपिंग यू। एंड यू कैन विजिट अराउंड द टेम्पल्स, यू कैन इन्जॉय साइट सीइंग लाइक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, वॉर मेमोरियल, भक्षुनाथ टेम्पल, भक्षुनाथ वाटरफॉल, एंड यू कैन शॉप फॉर द सोवेनियर्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड ऑल्सो यू कैन इन्सो इन्जॉय टिबेटियन डिशेज टू इन द हिमैक्लॉडगंज स्ट्रीट्स। धर्मशाला इट इज सिचुएटेड इन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 1475 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज होली रेसिडेंस ऑफ द एग्जाइल्ड टिबेटियन मॉन्क दलाई लामा विद द बैकड्रॉप ऑफ ब्रेथ टेकिंग धौलाधार रेंज। तो आप ये पीछे जो माउंटेन्स देख रहे हैं स्नो से ढका हुआ, ये धौलाधार रेंज है और ये है कांगड़ा एयरपोर्ट, जहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये, दिल्ली के लिए, बेंगलुरु के लिए, लखनऊ के लिए सारी फ्लाइट्स अवेलेबल हो।
और बाकी जितना भी डिटेल्स होगा अबाउट दी धर्मशाला एंड साइट सीइंग, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर यू कैन चेक आउट एंड यू कैन विजिट दी धर्मशाला अलोंग विद दी मैक्लोडगंज विच इज़ वेरी फेमस फॉर द हिल स्टेशंस. दीज माउंटेन्स वर सो मेस्मराइज, नज़र ही नहीं हट रही थी इस माउंटेन से. तो हमने बहुत ही अच्छे से ये व्यू कैप्चर किया आप लोगों के लिए. इवन यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है, अगर आप पैराग्लाइडिंग या एडवेंचरियस हैं तो ज़रूर आप धौलाधार रेंज की तरफ या धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ आप लोग पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. और मेरी फ्रेंड ने मुझे धर्मशाला का जो बहुत ही फेमस एक स्कूल है सेक्रेड हार्ट स्कूल, वहाँ पर मिलने के लिए बोला था. वो यॉल कैन से आ रही थी तो मैं उसी की तरफ जा रही थी. सो मुझे एग्जैक्टली धर्मशाला में जगहों का नहीं था नॉलेज था, बट उसने मुझे एक लैंडमार्क बता दिया कि सेक्रेड हार्ट पर मिलना है, तो मैं वहीं पर उसका वेट करूँगी एंड उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं. And here we are near the Sacred Heart School of Dharamshala. Delhi ka par iski Delhi aa nahi rahi hai. Ek ghanta ho gaya aise khade ho. Khushi ke mari. ये लड़की बहुत खुश है, आज इसकी सहेली से मिलने वाली है बहुत साल बाद, बहुत बहुत साल बाद. ये बस इसमें स्टोरी सब वो बता रहा एंड नाउ मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग कन्यारा की तरफ जाएंगे. धर्मशाला में ही आगे की तरफ कन्यारा एक रीजन पड़ता है, वहाँ पर एक्सप्रेसो बार एंड कैफ़े है जहाँ पर हम लोग जा कर के थोड़ा सा चिल आउट करेंगे और अपनी पुरानी यादें कुछ ताज़ा करेंगे. तो वहाँ बैठ कर के हम लोग जा कर के चिल आउट करने वाले हैं. तो ये कन्यारा की तरफ हम लोग जाते हुए तो आज हम बेस्ट फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स बाद मिल रहे हैं ना शिल्पा, कैसा हाँ. लग रहा है आपको आज मिलके? शिल्पा तो साइलेंट हो गई बिल्कुल मेरे से मिलके. बताइए कैसा लग रहा है आपको मिलके? कुछ बोल नहीं सकते, मतलब टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए कि हम कुछ मिलके कुछ करते घूमते. बट हमारे पास बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम को हम इतना अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, मेमोरेबल बनाना चाहते हैं ये एक दो घंटे को. एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे. बहुत ही अच्छा व्यू है. क्या नाम है कैफे का? एक्सप्रेसो बार. सो हाँ बार. तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, फोटोज बहुत लिए हैं, स्लो मोशन लिए हैं, तो हम बहुत ही टोटली इंजॉय कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं इतने सालों बाद मिल रहे हैं. एंड फाइनली वी आर एट एक्सप्रेसो बार एंड कैफ़े, जो कि बहुत ही बढ़िया था.
काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका एम्बियंस था, प्लस ऑल्सो इसका जो फूड था वो भी बहुत ही अमेजिंग था। एंड यहाँ पे हम लोग अपने गप्पों में लग गए, हमने फूड ऑर्डर कर दिया था, पिज्ज़ाज एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल स्नैक्स, एंड हम यहाँ पर बातें करने लग गए थे आपस में, जो पहले की बातें होती हैं स्कूल टाइम की, एंड वही सारे हम लोग बातें कर रहे थे। तो दिस वॉज लाइक अमेजिंग इतने सालों बाद मिलना। And along with the chit chat, we did a lot of photo shoots also, जो कि आप मेरे Instagram handle पे देख सकते हैं। तो मुझे जरूर follow कीजिएगा, मेरा Instagram handle है sparkingdiva_12। Amazing photography and all मैंने वहाँ पे post कर चुकी हूँ already, तो ज़रूर वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड ये हमारा अब फूड आ चुका है, कोल्ड कॉफ़ी, पिज्ज़ाज एंड फ्रेंच फ्राइज, ज़्यादा कुछ नहीं। हमें रिलेटिव के घर पे भी जाना था लंच पे, तो थोड़ा सा लाइट ही हमने रखा। एंड सब लोग अपने अपने फ़ोन पे फ़ोटोज़ लेना शुरू कर रहे थे अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए। एंड वी वर एंजॉइंग द थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा अलॉन्ग विद द चिट चैट सेशन। पर एक क्यूट सा बच्चा भी वहाँ पर आया हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा, तब मैंने इसका वीडियो बना लिया। है ना क्यूट? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड नाउ फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ एक घंटे का टाइम मिला था, इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो बस एक दो घंटे में हमने चिल आउट किया एंड काफ़ी सारा मस्ती किया, खाना खाया, इंजॉय किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो या ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से लास्ट कब मिले थे, या अपने बेस्ट फ्रेंड से कब मिले, और आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हो फ्रेंड्स के साथ में मिल करके। तो मिलती हूँ अगली बार एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। बाय बाय। और ये कुछ हमारे बेहतरीन पलों के फोटोग्राफ्स हैं, तो इनको इन्जॉय कीजिए आप लोग। बाय बाय।